यूजुअली सलमान के बारे खबर आती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर पोजेसिव होते हैं। दिस इज अ फर्स्ट, सलमान की गर्लफ्रेंड उनको लेकर पोजेसिव हो रही है। आई रियली फील बैड फॉर श्रद्धा कपूर, बेचारी पता नहीं कब से सिंगल हैं। जब देखो श्रद्धा कपूर सिर्फ यही कहती हैं दैट शी इज जस्ट हैड गुड फ्रेंड्स एंड नो बॉयफ्रेंड। आदित्य कपूर गेटिंग पोजेसिव अबाउट श्रद्धा ऑन द सेट्स, श्रद्धा टेकिंग वेकेशंस विद हिम, यू नो ऑल दिस हैपेंस विद ओनली गुड फ्रेंड्स इन बॉलीवुड। चित्रांगदा अक्षय कुमार के लिए अपनी शर्ट अनबटन करती हैं, मॉडर्न लगता है बट द मोमेंट सिडक्शन कम्स विद अ देसी टच, उफ बलगर हो जाता। चित्रांगदा हुई सेट्स पर वल्गर इंस्ट्रक्शन से परेशान, वहीं सलमान की कौन सी को-स्टार कर रही है गर्लफ्रेंड यूलिया को बेहाल, कैसे शूट स्टार्स प्ले करते हैं सोशल मीडिया पर मैनिपुलेटिव चाल, गेट सेट फॉर द ग्लैम डोज, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड्स मोस्ट ऑनेस्ट शो कट इट विद मी सिमी चंदोक। एक तरफ सलमान की प्रोटेजी डेजी और दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड, आखिर यूलिया और डेजी में सलमान को लेकर क्यों बढ़ रहा है कॉन्फ्लिक्ट? सलमान खान की शादी यूलिया के साथ दिसंबर में होगी या नहीं पता नहीं, पर यूलिया वेंटूर सलमान पर अभी से अपना हक जता रही है। रिपोर्टेडली यूलिया ने सलमान की फैमिली से साफ साफ कह दिया है कि सलमान की फेवरेट डेजी शाह अब जब चाहे सलमान से नहीं मिल सकती। ये भी ब्रिलियंट सिचुएशन है, आई टेल यू। यूजुअली सलमान के बारे खबर आती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर पोजेसिव होते हैं। आई मीन कैटरीना, ऐश्वर्या, दे विल ऑल वाच फॉर दैट। दिस इज अ फर्स्ट, सलमान की गर्लफ्रेंड उनको लेकर पोजेसिव हो रही है। वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग सिंगल सुपरस्टार्स एट 50 और उनकी गर्लफ्रेंड पोजेसिव हो रही है। This conflict between Salman's girlfriend Yulia and Daisy is getting fierce and more controversial. Check it out. सलमान खान इज अ फ्री बर्ड, लेकिन अब इस उड़ते हुए पंछी के पर कटने वाले हैं। सलमान खान की स्टडी गर्लफ्रेंड यूलिया अब उनकी बीवी बनने वाली है और एक बीवी की तरह वो अपना हक मांगने लगी है। रिपोर्टेडली यूलिया सलमान और डेजी के क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल है और अब उन्होंने सलमान के घर वालों को भी कन्विंस किया है कि डेजी शुड नॉट बी एंटरटेन्ड इन द खानदान। वैसे यूलिया सलमान की और कैटरीना की दोस्ती से इनसिक्योर नहीं हो रही हैं, तो व्हाई डेजी, ये तो सोचने वाली बात है। सलमान की फैमिली पहले ही यूलिया को अपनी बहू के रूप में देख रहे हैं और इसलिए यूलिया's विश इज देयर कमांड। डेजी शाह को भी यूलिया पसंद नहीं है। अगर ग्रेपवाइन की माने तो सलमान के नए फ्लैट के रेनोवेशन पार्टी में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया गया था, डेजी वाज आल्सो इनवाइटेड, लेकिन अपेरेंटली इस पार्टी में डेजी को यूलिया ने इतनी कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट दी कि डेजी का जोश पूरी तरह से ठंडा पड़ गया एंड शी लेफ्ट द पार्टी। नो वंडर जब डेजी से सलमान की शादी का पूछा गया तो उन्होंने कुछ कंफ्यूज सा ही जवाब दिया। मुझे नहीं पता। थैंक यू। आप नहीं चाहते उनकी शादी हो? मैं पर्सनली अगेंस्ट हूँ शादी के। अच्छा। नहीं तो मैं अपने दोस्त को भी चाहूंगी कि वो शादी ना हो। वैसे बेचारी डेजी का क्या कसूर है, वो ये बोलेंगे कि मुझे पता है कि सलमान की शादी कब हो रही है। लेट्स नॉट रीड टू मच इनटू दैट। सलमान के कौन से फ्रेंड्स हिम्मत करेंगे ये बताने के लिए कि सलमान की शादी हो भी रही है या नहीं। बेचारी डेजी। यूलिया वेंटूर अब सलमान खान के साथ न सिर्फ उनके सेट पर जाती है पर उनके फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग भी करती है। जाहिर है लगाम यूलिया के हाथ में है। सलमान की फैमिली ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया है क्योंकि अक्सर यूलिया को सलमान की मॉम का हाथ पकड़कर उनकी देखभाल करते देखा गया है। यूलिया और सलमान में डेजी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था क्योंकि ग्रेपवाइन की माने तो सलमान ने डेजी को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए हैं। नाउ यूलिया डज नॉट वांट डेजी टू बी अराउंड सलमान। शायद यूलिया डेजी को सलमान के लाइफ से इजेक्ट करने में कामयाब नहीं हुई और इसीलिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने सलमान के डैडी मम्मी से शिकायत की और डेजी के एंट्री पर अब कर्फ्यू लग गया है।
Daisy is of course going to talk about Salman whenever she's questioned. After all she has to claim in her career. Salman Khan ki jai ho. डेजी सलमान के लिए मॉरल सपोर्ट बनी है, तो यूलिया सलमान के घर वालों के साथ एक रिश्ता बना चुकी है। डेजी को सलमान के फैमिली ने नहीं पर फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट किया है, तो यूलिया को सलमान के फैमिली ने मन से अपनी बहू के रूप में देखा है। अब देखना ये है यूलिया और डेजी के इस कॉन्फ्लिक्ट में जीत किसकी होती है। कंगना और सानिया मिर्जा के बीच भी हुआ क्या पब्लिक में कॉन्फ्लिक्ट? कंगना एक एम्बेरसिंग सिचुएशन में फंस गई जब एस टेनिस प्लेयर सानिया ने उनके अफेयर की खिल्ली उड़ाई। हाल ही में एक इवेंट पर सिंगर बाबुल सुप्रियो को गाने की फरमाइश की गई, तो उन्होंने ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है का गाना गाया। सितारों की महफिल में गूंजे गाता राना। मजे की बात तो ये थी कि इस इवेंट में कंगना मौजूद थी और सभी उनकी ओर देखने लगे। एंकर ने भी इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए कंगना को पूछा कि क्या आप बाबुल सुप्रियो को अपनी अगली फिल्म में गाने का चांस देंगी, तो कंगना ने कहा ऑफ कोर्स, लेकिन उनके बगल में बैठी एस टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हंसने लगी। वैसे सानिया को ये जोक इतना फनी क्यों लगा? बहुत ही प्लान मूव था सानिया, एंड यू फेल फॉर इट। कंगना को पहले समझ में नहीं आया और जब उन्होंने माइक सानिया को पास किया तो सानिया ने शरारती अंदाज में सबके सामने कह दिया, गाना तो अच्छा था बट आई फेल्ट इट वाज सो आयरोनिक दैट ही चोज दिस सॉन्ग, यानी ऋतिक की फिल्म का गाना गाना व्हेन कंगना वाज अराउंड। सानिया भी ना बहती गंगा में हाथ धो रही हैं, यानी कि एवरीबॉडी इन बॉलीवुड इज हैविंग अ फील्ड डे एट कंगना एंड ऋतिक्स एक्सपेंस, तो सानिया भी पब्लिक में कंगना पर हंस दी। बट डिड शी लाफ ओनली एट कंगना? आई डोंट थिंक सो। द जोक वाज ऑन ऋतिक एंड कंगना। इस ताने को सुनने के बाद कंगना तो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गई, पर फिर खुद को संभाल कर एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने थैंक यू कहा। यानी कि बाबुल सुप्रियो ने ऋतिक की मूवी का गाना कंगना के प्रेजेंस में गाया, वहां तक तो हम कोइंसिडेंस मान सकते हैं, लेकिन कंगना से जाकर कोई सवाल करे, ओ दैट इज सो प्लान्ड। सो आई एम वंडरिंग हाउ सानिया फाउंड इट सो फनी दैट शी वाज गिगलिंग इन पब्लिक लाइक अ टीनेजर अबाउट इट। Is Shraddha trying to send out a message that all is well? Or rather, ye kehna chah rahi hai Shraddha ki there is nothing well or unwell between her and Farhan Akhtar. Here's looking at Shraddha's diplomatic post in a realistic way on Just Cut It. श्रद्धा कपूर सचमुच बॉलीवुड की वो बिल्ली है जो आंख बंद करके दूध पीती है, जिसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा, पर हर कोई जानता है श्रद्धा क्लेम्स टू बी सिंगल इन स्पाइट ऑफ बीइंग लिंक्ड टू आदित्य एंड मोर रिसेंटली फरहान अख्तर। नाउ कम ऑन श्रद्धा, जस्ट गट इट, क्योंकि रूमर्स तब उठते हैं जब दाल में कुछ काला होता है। I really feel bad for Shraddha Kapoor. बिचारी पता नहीं कब से सिंगल हैं। जब देखो Shraddha Kapoor सिर्फ यही कहती हैं that she's just had good friends and no boyfriend. इतने सालों से सिंगल Shraddha, that too in Bollywood. Very bad. हाल ही में फिल्म बागी की सक्सेस पार्टी में श्रद्धा कपूर इंडल्ज इन सम नॉटी डांसिंग विद अ हैंडसम हंक फरहान अख्तर। सभी लोग स्कैंडलाइज हो गए, लेकिन श्रद्धा और फरहान ने किसी की परवाह नहीं की। इनफैक्ट जब डैड शक्ति कपूर उस पार्टी से निकल गए तब श्रद्धा और भी एक्सप्रेसिव हो गई, और रूमर तो ये भी है कि पार्टी के बाद श्रद्धा फरहान की गाड़ी में बैठकर चली गई। लेकिन एज यूजुअल श्रद्धा ने ये लिंक अप डिनाई किया है, तो क्या श्रद्धा अब फरहान के साथ पेट्रोल बचाने के लिए कारपूलिंग कर रही थी या फिर उनसे ड्राइविंग लेसन ले रही थी? So, just cut it. श्रद्धा कपूर इज द न्यू आइस मेडन ऑफ बॉलीवुड, फॉर एवर सिंगल। जब दूसरी हीरोइंस को रिलेशनशिप के बारे नहीं बात करनी होती तो यही कह देती है नो कॉमेंट्स, बट श्रद्धा तो ब्रिलियंट है, शी गोज आउट ऑफ अ वे टू गिव इंटरव्यूज टू से ओ वी जस्ट गुड फ्रेंड्स। श्रद्धा ने तो फरहान के साथ अपनी केमिस्ट्री छुपाने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लिए हैं। शी हैज रिसेंटली गॉट अ न्यू हेयर कट फ्रॉम फरहान्स एक्स वाइफ अदुना सैलों, और अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अदुना के सैलों को क्रेडिट भी दिया और तारीफ भी की। नाउ कम ऑन श्रद्धा, जस्ट कट इट, डांस फ्लोर पर आपके नॉटी मूव से सब कुछ साफ नजर आ रहा था।
वैसे तो हम मान लेते हैं कि श्रद्धा और फरहान के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि श्रद्धा जब देखो हर रिलेशनशिप को, हर लिंकअप को डिनाई करती हैं। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक दैट ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी, यानी कि श्रद्धा अपने हर लिंकअप को डिनाई करती हैं, इन दैट केस शायद फरहान और श्रद्धा के बीच भी कुछ हो। श्रद्धा कपूर ने आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने लिंकअप को भी डिनाई किया है। एक चैट शो में श्रद्धा और आदित्य की एक दूसरे के लिए तारीफ और आदित्य का ये कहना कि श्रद्धा एंड मी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इस बात को प्रूव करता है कि समथिंग वाज कुकिंग बिटवीन द टू, सो श्रद्धा जस्ट कट इट, क्योंकि वेरी क्लोज का मतलब यही होता है कि यू आर मोर देन फ्रेंड्स। अपना लिंकअप श्रद्धा छुपाने में एक्सपर्ट थी, तो आदित्य वॉज जस्ट नोविस। फिल्म एक था विलन के शूटिंग के दौरान आदित्य, श्रद्धा और उनके कोस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के बॉन्डिंग से जेलस हो जाते थे, एंड ही वुड फ्रीक्वेंटली ड्रॉप इन ऑन द सेट्स एंड टॉक टू श्रद्धा बट कम्प्लीटली इग्नोर सिद्धार्थ। अब ये एक्स्ट्रा पोजेसिव होना लिंकअप की निशानी नहीं तो क्या है? तो आदित्य कपूर गेटिंग पोजेसिव अबाउट श्रद्धा ऑन द सेट्स, श्रद्धा टेकिंग वेकेशंस विद हिम, यू नो ऑल दिस हैपेंस विद ओनली गुड फ्रेंड्स इन बॉलीवुड। श्रद्धा एक तरफ तो अपना लिंकअप डिनाई करती थी, लेकिन दूसरी ओर आदित्य कपूर के साथ एक स्टडी गर्लफ्रेंड की तरह एक्सोटिक वेकेशंस पर भी जाती थी। रिपोर्टेडली दोनों लव बर्ड्स कभी यूएस चले जाते तो कभी श्रद्धा आदित्य को मिलने कश्मीर में फिल्म फितूर के सेट पर चली आती। तो क्या इन एक्सोटिक वेकेशंस पर दोनों सिर्फ बातचीत करते थे या साइट सीइंग? सो श्रद्धा जस्ट गॉट इट। सो श्रद्धा इट्स टाइम टू बी ओपन एंड डिक्लेयर योर अटैचमेंट्स, क्योंकि प्यार और पिंपल्स छुपाने से नहीं छुपते। जब देखो श्रद्धा यही क्लैरिफाई कर रही होती हैं दैट शी इज विद नो गाय एंड दैट शी इज सिंगल, क्या श्रद्धा इतने साल से बॉलीवुड में आप सिंगल हो, सो डेडिकेटेड टू वर्क दैट नो बॉयफ्रेंड, हाउ सैड। चित्रांगदा के साथ क्या हुई, यूज क्रूड एंड वल्गर लैंग्वेज दैट टू ऑन द सेट्स, इज दिस द रीजन शी वॉक्ड आउट ऑफ अ फिल्म, मोर ऑन दिस ऑन सीन एंड हर्ड। चित्रांगदा सिंह को गुस्सा क्यों आता है? रिपोर्टेडली चित्रांगदा सिंह ने एक फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ने ग्राफिक तरीके से उन्हें सबके सामने इंटीमेट सीन एक्सप्लेन किया, ऐसी लैंग्वेज यूज की कि चित्रांगदा के होश उड़ गए और चित्रांगदा ने फिर फिल्म छोड़कर सबका जोश ठंडा कर दिया। चित्रांगदा के साथ तो जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन डायरेक्टर साहब की तो लॉटरी निकल गई, उनकी मूवी तो पहले से ही पिटी हुई थी, नोबडी वाज रेडी टू डू द मूवी, फिर चित्रांगदा अटके और अब देखो कंट्रोवर्सी में कैसे फंसी। ब्यूटीफुल सेक्सी चित्रांगदा सिंह लखनऊ में डायरेक्टर खुशान नंदी की फिल्म बाबू मोशायर बंदूक बाज शूट कर रही थी। लव मेकिंग सीन शूट हो रहा था जब चित्रांगदा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। डायरेक्टर इस सिचुएशन में कूल रहने के बजाय हाइपर हो गए, वो सबके सामने चित्रांगदा को कहने लगे कि उन्हें कोस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर क्लाइम करना चाहिए और अपने लेग्स को भी उन पर रब करना चाहिए। कुछ ज्यादा ही ब्लेटेंट और क्रूड इंस्ट्रक्शन से नेचुरली चित्रांगदा एम्बैरेस्ड हो गई और उन्होंने डायरेक्टर को आड़े हाथ लिया। अपेरेंटली चित्रांगदा ने डायरेक्टर से पूछा कि आप सबके सामने एक इंटिमेट सीन के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। इस पर डायरेक्टर ने केयरलेसली जवाब दिया, ठीक है बाहर जाकर बात करते हैं। इस इनसेंसिटिव और कैजुअल अप्रोच से चित्रांगदा और भी अपसेट हो गई और उन्होंने फिर डायरेक्टर को सबके सामने झाड़ दिया ये कहकर कि अगर तुमने ऐसी बातें सबके सामने शुरू की है तो why end it elsewhere? इस इंसिडेंट के बाद सेट पर सन्नाटा छा गया। चित्रांगदा को सिर्फ डायरेक्टर की लैंग्वेज और एटीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं था, डायरेक्टर ने तो चित्रांगदा को कुछ सीन्स के लिए लो कट ब्लाउजेस और पेटीकोट पहनने को कहा। खुशान ने उन्हें कहा कि अगर तुम अक्षय कुमार की फिल्म देसी बॉयज के लिए ऐसे कपड़े पहन सकती हो तो इस फिल्म के लिए क्यों नहीं। इस पर चित्रांगदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि वो एक कमर्शियल फिल्म थी जहां मेरा लॉन्ग शॉट लिया गया था और यहां आप मेरा क्लोजअप ले रहे हो, आप आर्ट फिल्म बना रहे हो या एरोटिक फिल्म? कितनी अजीब सी बात है ना, जब चित्रांगदा अक्षय कुमार के लिए अपनी शर्ट अनबटन करती हैं और बहुत ही सेडक्टिव रोल करती हैं तो वो जब वेस्टर्नाइज लगता है, मॉडर्न लगता है, देन शी इज ओके, बट द मोमेंट सेडक्शन कम्स विद अ देसी टच, उफ, वल्गर हो जाता।
डाइट। ये सोशल मीडिया भी ना ऐसी एडिक्टिव चीज है कि स्टार्स अपने अकाउंट्स डिलीट तो करते हैं बट ओनली टू कम बैक। क्या सुशांत ने अपना रिटर्न प्लान करके ही सोशल मीडिया छोड़ा? OMG। सुशांत सिंह राजपूत तो प्रिटेंड कर रहे थे कि हिज प्राइवेसी इज बीइंग इनवेडेड। सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप के बाद सुशांत एक्टेड ऑल एंग्री एंड अपसेट एट हिज फैंस और गुस्से में आकर उन्होंने ट्विटर छोड़ दिया था। OMG। पर अब सच्चाई सामने आ गई है। नॉट ओनली इज ही मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर टू कृति, पर पब्लिसिटी के लिए सुशांत किसी भी हद तक जा सकते हैं। OMG। To be fair to Sushant, people were really getting nasty with him on social media. More so Twitter. I mean, लोग किस तरह के सवाल कर रहे थे? And तब तो यही कह रहे थे लोग कि Sushant is taking up for his ex-girlfriend Ankita. और अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डर के बंद कर दिया या manipulate किया अपना account और अब वापस आ गए हैं। We're forgetting that Sushant has a movie coming up and one of the big movies of his career. And it's besides the point कि Sushant has a soft corner for his heroine Kriti. तो अब उन्हें मूवी तो प्रमोट करनी है। प्रोबेबली दिस इज द रीजन ही हैज कम ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पर कमेंट्स कम और व्यूज ज्यादा होती है। सो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, यू नो। सुशांत सिंह राजपूत सोशल मीडिया पर एक सेंसिटिव इंडिविजुअल का इमेज प्रोजेक्ट कर रहे थे। एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बारे में उन्होंने लिखा था कि नॉर इज शी एन अल्कोहलिक नॉर एम आई अ वुमनाइजर। फैंस इस स्टेटमेंट पर रिएक्ट करे इससे पहले सुशांत ने सोशल मीडिया पर आना बंद कर दिया। OMG। प्रॉब्लम ये है कि ट्विटर पर लोग सवाल जवाब सब कुछ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देयर इज नो सवाल, ओनली व्यूज। सो इट्स अ परफेक्ट डिसीजन दैट सुशांत हैज टेकन। शायद सुशांत वांटेड टू प्रोजेक्ट दैट ही वाज द हर्ट लवर एंड नॉट अंकिता, जबकि अंकिता वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई। रिपोर्टेडली अंकिता सुशांत के वुमनाइजिंग वे से तंग आ गई थी और इस वजह से दोनों में फाइट्स होते थे। इनफैक्ट अंकिता ने गुस्से में आकर एक दिन सुशांत को घर से भी निकाल दिया था। OMG। लेकिन सुशांत प्लेड अ स्मार्ट गेम। उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि ही डज नॉट वांट टू बैड माउथ हिज एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे और इसलिए वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे। अपने लिंकअप्स को भी सुशांत ने झुठला दिया था, बट नाउ इट सीम्स द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आफ्टर अ फॉर्टनाइट सुशांत इज बैक टू हिज ओल्ड वेज। इंस्टाग्राम पर सुशांत ने अपनी को-स्टार कृति के साथ अपनी सिज़लिंग केमिस्ट्री को डिस्प्ले किया है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। फोटोज देखकर तो ऐसा लगता है कि देयर इज मोर टू दिस रिलेशनशिप देन बीइंग जस्ट फ्रेंड्स। OMG। सुशांत इज नॉट एग्जैक्टली ट्राइंग टू से दैट कृति इज हिज न्यू गर्लफ्रेंड। अगर उनके इंस्टाग्राम की पोस्ट देख रहे हो तो ही जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट हिज मूवी। दैट डज नॉट मीन दैट दे माइट नॉट बी टुगेदर। मैंने ऐसा भी नहीं कहा, ओके? This is it for now, but if you'd like to know how the rich and famous party, you can see the good life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. Sound roll. Rolling, sir. ओ मुंह मत बना रे, चल रे आंखों को मलना बंद कर कर बंद 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 कर। आई एम डूइंग प्रीटी गुड नो विद दैट। चित्रांगदा हुई सेट्स पर वाल्डर प्लीज से इट्स ओके। ओह थैंक गॉड मैन, मालूम है वो भी गई और मेरे ना टांग भी ऐसे गई। मेरे को नहीं पता मेरे को क्या रख कैसे।